राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा एक दिवसीय दौरे पर आज अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर अर्चना शर्मा ने सामाजिक एवं स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया, साथ ही नारी निकेतन का निरीक्षण किया। इस मौके पर अर्चना शर्मा ने कहा कि निकेतन में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिनके बारे में जानकारी मिली, इसके लिए जल्द से जल्द इन सुविधाओं को पूरा कराया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी अर्चना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राज में आम लोगों की धारणा है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। देखिए, मैं पहले भी मैंने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और मैं समझती हूँ कि जो व्यवस्थाएं वो करीब करीब सुचारू ही हैं। कुछ वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके बारे में उन्होंने मुझे अवगत करवाया, तो हम प्रयास करेंगे उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। आज जो राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया नारी निकेतन के लिए, उसके भी हमने ज्वाइनिंग करवाई उनके अध्यक्ष और मेम्बर्स की। मैं समझती हूँ सरकार का ये जो कदम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई मॉनिटरिंग होती किसी भी संस्था की तो उसमें और ज़्यादा लाभ मिलता है। और मैं समझती हूँ कि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है वो सब इस क्षेत्र में अपना जो अनुभव है उसके आधार पर वहाँ पर योगदान देंगी, तो निश्चित रूप से हमें व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। और आप जानते हैं कि वो सेंटर्स हैं जहाँ पर निराश्रित बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, तो उसके लिए हम सबको सामाजिक तौर पर भी एक जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए। और रागिनी जी से और उनकी टीम से मैंने यही अनुरोध किया है कि आप लोग सामाजिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उनको वहाँ जोड़िए, ताकि वो लोग भी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा सकें और वहाँ व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे सकें। तो सरकार ने जो संभाग स्तरीय नारी निकेतन है वह कमिटीज़ का गठन करके एक सौगात दी है, ताकि वो जो लोग इस क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं वहाँ जा करके और अपना सहयोग करें। ऐसे लोग जो वंचित तबके से आते हैं, गरीब हैं, जिन्होंने निराश्रित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वहाँ पर अच्छा काम किया जा रहा है और उनकी व्यवस्थाओं को और सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नवाचार के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जब मैं कोटा गई थी तो हमने यही बात की थी वहाँ पर जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे कि हम जयपुर ज़िले में नारी निकेतन में विवाह आयोजित करवाते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं उनका, ये जो आवासियाँ जिन्हें हम कहते हैं, हम चाहते हैं संभाग स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो। तो इसके लिए जब ये सब महिलाएं, ये समाज सेवा से जुड़ी हुई महिलाएं, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो निश्चित रूप से इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि हर संभाग पर ऐसी जो आवासियाँ हमारी बच्चियाँ उन लोगों के विवाह के कार्यक्रम आयोजित हों, उनका पुनर्वास हो सके, और जो बच्चे निराश्रित होते हैं, अनाथ होते हैं, जो वहाँ पर आते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के प्रयास पर हम जोर देंगे। कि कैसे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, और मैं समझती हूँ कि ये ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति की ज़ुबान पर है इस समय, और इसका लाभ सबको मिल रहा है। यहाँ ना कोई पार्टी देखता है, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, यहाँ जिसको सुविधा की दरकार होती है हॉस्पिटल जाकर के इसका लाभ ले सकता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे शहरी रोजगार योजना की बात हो, ये भी नवाचार राजस्थान में शुरू हुआ है और उसको मूर्त रूप भी दे दिया गया है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं और महिलाओं को लक्षित करके बनाई गई हैं, और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में राजस्थान आज प्रथम श्रेणी में खड़ा हुआ हर पायदान पर। और महिला सुरक्षा को लेकर के जो नवाचार हुए थे उससे सकारात्मक परिणाम ये आ रहे हैं कि जब पुलिस प्रशासन को लेकर के एक संशय होता था सबके मन में, तो मुख्यमंत्री जी ने सारी दुविधाएँ दूर करके SP को नोडल एजेंसी बना दिया। यदि किसी महिला के उत्पीड़न का मामला थानों में दर्ज नहीं होता तो SP के पास जाकर वो स्वतः इसको दर्ज करवा सकती हैं, और वो दर्ज भी होगा, उसका निस्तारण भी होगा, टाइम बाउंड होगा। इससे राजस्थान की छवि में सुधार आया है, और लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस का राज जब आता है तब महिला सुरक्षित महसूस करती हैं और उनको उनके प्रति होने वाले अन्याय के लिए भी उनको न्याय जल्द से जल्द मिलता है। देखिए, अब ये न्यायालय में लंबित मामला था, अब न्यायालय ने क्या निर्णय दिया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन ये बात ठीक है कि अभी चुनाव भी हुआ था और अचानक ये निर्णय आ गया, तो एक अजीब सी स्थिति है। अब देखते हैं आगे न्यायालय का संपूर्ण फैसला क्या होता है, और उस पर सरकार के द्वारा भी वहाँ पर कोई न्यायालय ने कहा है कि कुछ प्रेजेंट करना है, तो वो सब होने के बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आपको मैं एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ कि देखिए, जब से राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है, नए नवाचारों को शुरू किया गया, आप सब जानते हैं, और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में कोई योजना ना बनी हो। सर्वस्पर्शी बजट देकर के संपूर्ण रूप से योजनाओं को मूर्त रूप देकर के एक कह सकते हैं विकासशील राजस्थान का निर्माण किया गया। लेकिन इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि राजस्थान में एक भी बाल विवाह रजिस्टर, ये जो देवउठनी एकादशी थी उस दिन नहीं हुआ है। मंदिर या शादी ब्याह, किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है, साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ दिव्य ट्रेडर्स,
सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली ब्लू कैसल अजमेर 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206।